गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 9th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा 1792 में समर्स को, आपने देखा अप्रैल में, आपने देखा प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ उन्होंने अटैक कर दिया। फिर आपने देखा अगस्त में, 10 अगस्त को आपने देखा कि किस तरीके से इंसरक्शन जो समर में किया था, उसके बाद जो पैलेस ऑफ ट्यूलरीज पे जो अटैक हुआ उसको आपने देखा। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक जैकोबिन क्लब, जो सेंस क्लूडोस वाले मेंबर, उनके जो लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, ये किस तरीके से उभर कर आए और इन्होंने किस तरीके से नेशनल असेंबली का नाम बदलकर कन्वेंशन कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद वाला, यानी कि हमने जो लास्ट डेट पिछले उसमें जो हमने ध्यान रखनी थी वो थी 1793 21st जनवरी। प्यारे बच्चों, 21st सितंबर को फ्रांस ने अपने आप को प्रोक्लेम किया था एज अ रिपब्लिक, लेकिन वो कब किया था, 2 में। तो 21 इज सेम, लेकिन जैसे हम 1793 में आते हैं प्यारे बच्चों, तो जो जनवरी है पहला ही महीना है उसकी 21st, यानी कि 21st सितंबर 21st ही है। तो इसको, इस डेट को जो लुईस 16 थे, मतलब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक देश के राजा, जो इतने बड़े मतलब साम्राज्य के मतलब उत्तराधिकारी हैं, या जो उसको रन कर रहे हैं, उसी को ही सरेआम प्लेस डेला कॉनकॉर्डे पे उनको सरेआम गुलेटाइन कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, और उनकी वाइफ को भी फिर लगभग अक्टूबर में उसी साल मार दिया गया। प्यारे बच्चों, आप कभी भी सुनेंगे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को, इसलिए सिर्फ मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर नहीं बोला जाता है कि उन्होंने यूनिवर्सल मेल एडल्ट फ्रेंचाइजी दी है, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो आप आज की डेट में भी उनको देखेंगे कि वो स्टेप्स जो उठाए गए थे उस समय बाय मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, वो आज भी हम कहीं ना कहीं देखेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर है, जो थोड़ा सरकी किस्म का व्यक्ति है, जो भी रिपब्लिक के खिलाफ उसको दिखता है, चाहे वो कोई भी हो, है ना, जो उसका एक साथी है, मतलब अगर मैं कभी इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के ऊपर, इनके एक साथी थे काफी जिन्होंने इसको बहुत सपोर्ट किया था, आखिरी में आते आते इन्होंने उसको भी गुलेटाइन करा दिया था, क्योंकि इनको ये शक होने लग गया था कि ये भी कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ है या रिपब्लिक के खिलाफ है। तो मतलब इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे किए कि मतलब किसी के ऊपर भी शक होता था उनके खिलाफ ही एक मतलब जज बिठा दिया जाता था, अगर वो गिल्टी पाते थे उनको गुलेटाइन कर दिया जाता था। तो गुलेटाइन वर्ड आप काफी टाइम से मेरे मुंह से सुन रहे होंगे प्यारे बच्चों। गुलेटाइन एक डॉक्टर गुलेटिन थे जिन्होंने इस जो मशीन है इसको इन्वेंट किया था। इसको इन्वेंट करने के पीछे लॉजिक ये था कि व्यक्ति को जब हम हैंग करते हैं यानी फांसी चलाते हैं, तो काफी देर तक वो तड़पता है, तो व्यक्ति तड़पना नहीं चाहिए, उसकी मौत जो है बिल्कुल एकदम होनी चाहिए। तो इसके लिए एक मशीन बनाई गई थी जिसको डॉक्टर गुलेटिन ने आर्किटेक्ट किया था, और वो कुछ ना कुछ इस तरीके से, अगर आप बुक में भी देखेंगे, ये लकड़ी के वो हैं, और ये एक नीचे ये भी मतलब जो है काफी पेनी है, ब्लेड है ये भी, और यहाँ पे व्यक्ति का सर आता है और ऊपर से ब्लेड को एकदम से छोड़ दिया जाता है, ठक से गर्दन जो है धड़ से अलग हो जाती है। तो इस तरीके का ये हमारा गुलेटाइन है। तो अब हम तो गुलेटाइन आपको समझ में आ गया, और मैक्सिमिलियन के बारे में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब इन्होंने कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए थे कि जिसकी वजह से मतलब इनको याद रखा जाता है, और इन्होंने, या क्वेश्चन आता है कि व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर आफ्टर डिक्लेयरिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। तो इन्होंने जो स्टेप्स उठाए थे प्यारे बच्चों, उसमें एक तो आप देख रहे थे कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वेजेस नहीं बढ़ रही है, तो इन्होंने फिक्स कर दी थी मैक्सिमम वेजेस एंड मैक्सिमम प्राइसेस, राइट। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम इन्होंने वेजेस एंड प्राइसेस जो है फिक्स कर दिए थे। इन्होंने राशन, जो आप देखते हैं ना राशन की दुकान पे सस्ता हमें वो सामान मिलता है जो हम जो गरीब तबके से या वैसे भी, तो ये उस समय उन्होंने मीट और जो मतलब फूड है उनको वो उनके घर पे ही मिलेगा, राइट। जो ब्रेड है यानी खाना है और जो मीट है वो उनको राशन के द्वारा राशन की दुकानों पे मिलेगा। फिर आप देखेंगे कि जो पीसेंट्स थे, है ना, पीसेंट्स जो है हमेशा मतलब दबा ही रहता है, तो पीसेंट्स जो थे वो देवर फोर्स टू सेल देयर जो भी उनकी ग्रेन्स थी, हार्वेस्ट थी, उनको ट्रांसपोर्ट करते थे सिटीज में, और जो गवर्नमेंट फिक्स करती थी प्राइस, उसी प्राइस पे उनको बेचना होता था। तो मतलब आप एक तरफ देखें कि मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने वैसे तो ठीक किया, वेजेस और सैलरी फिक्स कर दिए कि इससे ज्यादा या कम नहीं होगा। फिर आप देख रहे हैं कि जो राशन, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मीट है ना, क्योंकि वहां पे नॉन वेज लोग हैं, तो मीट और ब्रेड वो उनको राशन के तौर पे मिलेगी, और साथ में जो भी पीसेंट्स थे उनको फोर्स किया गया कि जो गवर्नमेंट ने सेट किया प्राइस उसके तहत उनको वो बेचना ही बेचना है। तो साथ में इन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर, यानी कि जो आजकल हम, अगर आप उसको कह सकते हैं, जो आजकल हम खाते हैं जो व्हाइट फ्लोर है यानी आटा जो है,
वो उन्होंने फॉरबिडन यानी इसको मना कर दिया, कोई इसको इस्तेमाल नहीं करेगा, टू शो द इक्वालिटी, है ना। और इक्वालिटी के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया डेगालाइट, है ना, यानी कि जो ब्रेड है यानी कि जो रोटी है वो भी सब बराबर ही उससे खाएंगे। आ लॉफ, लॉफ क्या होता है मेरे बच्चों, LOAF, लॉफ होता है डबल रोटी जिसको हम बोलते हैं। तो ब्रेड होती है, जो ब्रेड हम खाते हैं डबल रोटी होती है मोटी वाली, उसको बोलते हैं लॉफ। मेड अप ऑफ होल फ्लोर व्हीट, सॉरी होल व्हीट, है ना। तो यानी कि पूरे जो व्हीट यानी कि जो उसके हम व्हीट के जो रैपर को हटाते हैं, फिर उसके बाद उसको हम चक्की में पिसवाते हैं, फिर हम उसकी रोटी बनाते हैं, तो पूरा का पूरा व्हीट जो है उससे बना होता है लॉफ, और यही सबको खाना है। साथ में आप ये तो आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके से जो गरीब तबका है उनके रेट फिक्स कर दिए, वेजेस फिक्स कर दी, राशन में उनको मीट और ब्रेड मिलने लगा, पीसेंट से उन्होंने फिक्स प्राइस कर दिया, व्हाइट फ्लोर को उन्होंने बैन कर दिया, फॉरबिडन कर दिया, मना कर दिया कि कोई नहीं यूज करेगा, और सबके अंदर एक इक्वालिटी बनी रहे। तो उसके लिए डेगालाइट, जब आप इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो इट इज समथिंग अपोस्ट्रोफी, फ्रांस के ऐसे ही वर्ड होते हैं, लेकिन आपको डेगालाइट स्पेलिंग के तौर पे भी आप इसको याद रखना है। ऑल सिटीजन रिक्वायर्ड टू ईट डेगालाइट इक्वालिटी ब्रेड, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, इक्वालिटी ब्रेड, अ लॉफ मेड अप ऑफ होल व्हीट, ठीक है। तो ये तो हमने देखा खाने पीने की चीजों से लेकर। इसके अलावा जो ट्रेडिशनली मोनेसियर यानी फ्रांस का जो मैन है उसको मोनेसियर, और जो वुमेन है उसको मैडम बोलते हैं। मैडम आजकल भी आप ब्रांड एक देखते हैं ना, तो मैडम, तो यानी कि सर और मैडम, यानी कि मोनेसियर और मैडम, उसको अब नाम चेंज करके जितने भी मैन एंड वुमेन है उनको क्या कहा जाने लगा, सिचोयन और सिचोयने, ठीक है। तो बोथ आर सेम, सिचोयन और सिचोयन, और ये सिचोयन आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। सिचोयन को सिर्फ कम से कम फ्रांस में जब आप 10th क्लास में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो यही कुछ टर्मिनोलॉजी आपको वहां पर भी आएंगे, तो इट विल बी इजी। तो हमारे यहाँ पे बेस बन रहा है, राइट। तो सिचोयन एंड सिचोयन, अब आप देख रहे हैं कि धर्म का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो प्यारे बच्चों उसके लिए जिगरा चाहिए ना, तो एक मतलब 56 इंच की छाती चाहिए कि इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए। इन्होंने जो भी चर्चेस थे उनको बैन कर दिया, बंद कर दिया, और उनकी जो चर्चेस की जो बिल्डिंग थी उनके बैरक्स बना दिए, या एज अ ऑफिसेस उनको यूज करना शुरू कर दिया। तो इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इस पूरे जो आप ये देख रहे हैं 1793 यानी 93 में उनको 21 जनवरी को मारा गया, गुलेटाइन किया गया लुई 16 को। तो जो 1793 और 1794 है इस पूरे पीरियड को रायन ऑफ टेरर बोला जाता है, रायन ऑफ टेरर। आप वैसे भी गूगल में आप करेंगे तो रायन ऑफ टेरर तो आपको यही आएगा पूरा। तो यानी कि इतने गुलेटाइन हुए, इतने सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों को गुलेटाइन किया गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आखिरी में ये जो व्यक्ति है इनको भी जुलाई 1794 में गुलेटाइन कर दिया गया। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं आप लुई 16 उसको गुलेटाइन कर दिया, फिर रॉबस्पियर एक इतना अच्छा जिन्होंने ऐसे ऐसे स्टेप्स उठाए, चर्चेस तक को बैन कर दिया, राइट। तो उनको भी आखिरी में गुलेटाइन, है ना। देखो कोई भी जो सनक है जो व्यक्ति है, मतलब कुछ ना कुछ चीजें रही है उसके ऊपर, मैं कभी आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के ऊपर। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है, द रायन ऑफ टेरर 1793 और 94। अभी आपकी बुक में अभी नहीं आया लेकिन आप ध्यान रखेंगे हम 94 तक पहुंच गए, राइन ऑफ टेरर 1793 या 94, राइट। तो 94 में जो लिवरस है ना, आपको पता है करेंसी ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम जब फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो 1794 में लिवरस को हटा दिया गया था, नहीं मतलब वो बंद हो गई थी। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड एज द रायन ऑफ टेरर, रॉबस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट ऑल दोज हुम ही सॉ एज अ बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी, चाहे वो कोई भी हो, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, जो दूसरे क्लब्स थे उनके जो मेंबर्स थे, इवन मेंबर ऑफ हिज ऑन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, इम्प्रिजन जेल में डाल दिया जाता था, एंड देन ट्राइड बाय अ रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल होता है प्यारे बच्चों, एक या एक से ज्यादा जजेस जब बैठते हैं, बेंच जिसको बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है ट्राइब्यूनल, राइट। तो वो ट्राइब्यूनल अब वो भी किसके होंगे, वो भी रॉबस्पियर के ही होंगे, राइट। आप समझ रहे हैं इस चीज को, क्योंकि वही उनको डिसाइड करता था कौन है। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर वो कहीं ना कहीं अपराधी मिल गए, दे वर गुलेटाइंड, यानी उनका गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती थी। द गुलेटाइन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स जो आपने देखे थे, एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज बीहेडेड, यानी गर्दन अलग कर दी जाती। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलेटिन हु इन्वेंटेड इट। रॉबस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉज, अब क्या क्या स्टेप्स उठाए, ये आपका पूरा पैराग्राफ उसी के ऊपर है।
प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग, सीलिंग मतलब आप देखते हैं सीलिंग फैन बोलते हैं, यानी कि एक अपर लिमिट सेट कर दी किसकी, वेजेस और प्राइजेस की, मीट एंड ब्रेड यानी जो मूलभूत सुविधाएं वर राशनड, पीसेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट प्राइजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन मना कर दिया, ऑल सिटीजन वर रिक्वायर टू ईट द पेन डेगलाइट यानी कि इक्वल ब्रेड सबको खानी है, अ लॉफ मेड अप ऑफ होल व्हीट यानी कि पूरे व्हीट से जो बना हुआ है यानी कि वो व्हाइट फ्लोर नहीं, इक्वालिटी एड्रेस equality was also sought to practice through forms of speech and addresses, मतलब इसके लिए काफी speeches और addresses दिए गए that there is equality, और ये कहीं ना कहीं दिख भी रहा है, आप इसको देखेंगे आप deny नहीं कर सकते, ये steps उठाने के बाद कहीं ना कहीं उसका जो main motive था that should be equality in the society. Instead of the traditional monsieur, sir and madame, all French men and women were henceforth, यानी कि अब से citoyen and citoyenne citizens, यानी कि citoyen यानी citizen उनको बोला जाने लगा, चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस, बैरक होता है जो बैरक हम बनाते हैं आर्मी वाले जो बैरक्स में रहते हैं ना, एक बड़ा सा कमरा होता है उसमें आठ दस इधर अपने वो बैरक और ऑफिसेस और भी कई चीजों के लिए यूज होता है बैरक. रॉबस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली यानी कि उन्हें थका ही नहीं, वो लगा रहा इस चीज में पनिशमेंट्स में और गुलेटाइन करने में अपराधियों को ढूंढने में रिपब्लिक के खिलाफ रिलेंटलेसली, दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगिन टू डिमांड अ मॉडरेशन, मतलब बहुत हाई चला गया था वो हाई है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि कुछ मॉडरेट होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई भी ठीक नहीं है, उसके जो सपोर्टर थे. फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गुलेटाइन. आपकी बुक में डेट नहीं दी हुई है, मैं आपको बताता हूं 28 जुलाई 1794, तो 14 जुलाई को ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी है ना, 21 जनवरी 93 को लुई 16 को गुलेटाइन किया और मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को 28 जुलाई 14 का डबल 28 जुलाई 1794, और इसी के साथ ही राइन ऑफ टेरर का भी अंत हुआ. तो प्यारे बच्चों मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ये स्टेप्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये आपकी क्लिक के लिए, और आप टाइमलाइन प्लीज साथ साथ बनाते रहें, जिनका भी बर्थडे 28 जुलाई को है वो भी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं. द राइन ऑफ टेरर मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल.